सो हेलो फैमिली, व्हाट्सअप, माय नेम इज दबा एंड यू वाचिंग आवर चैनल टेक विद दबा। सो फैमिली का सुन तो सही हो, अच्छे हो एंड बढ़कर रहो। सो फैमिली, बहुत दिनों के बाद वीडियो में कमबैक किया हूँ, लगभग 6 महीने के बाद, एंड इस साल का ये पहला वीडियो है। एंड आज और भी एक स्पेशल डेट है, आज मेरा बर्थडे है, एंड इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से कमबैक करूँ एंड मैं इस जो जर्नी को इसको आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही जो ना शुरू किया था, लगभग 2018 से मैंने शुरू किया था एंड बीच बीच में वीडियो बनाया, छोड़ा, फिर से आए एंड अभी सोचा कि क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए, इस जर्नी को जो मैंने शुरू किया था, छोड़ दिया था, अब इसको कंटिन्यू कर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ इस सफ़र में आप मेरा साथ देंगे, साथ में रहेंगे एंड मुझे जोश देते रहेंगे। सो फैमिली, इस वीडियो में आज हम एक टॉपिक को जरूर कवर करेंगे एंड वो है DND सर्विस को कैसे ना एक्टिवेट किया जा सकता है एंड आप इसके मदद से आपका जो अनवांटेड कॉल, SMS वगैरह इसको रोक सकते हैं। ये आपके आइडिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन सभी में वैलिड है। तो इसमें में 4 ऑप्शन होता है मेनली, एक होता है ऐप्स, दूसरा होता है SMS, तीसरा होता है कॉल एंड चौथा होता है एक यूनिवर्सल नंबर है, ठीक है, वो कंप्लेंट नंबर होता है, तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सर बताऊँगा, ठीक है, एंड मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी दूंगा जो आइडिया एंड माई एयरटेल ऐप्स का, उसका मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, तो आप जो देख लेना ऐप के बारे में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बीच में रुक जाता हूँ एंड मैं स्क्रीन रिकॉर्डर जो दिखा देता हूँ, ओके, तब देख लीजिए। तो सबसे पहले हम आइडिया के ऐप से शुरू करेंगे, तो आइडिया के ऐप्स ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे ऊपर मोड लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो हेल्प एंड FAQs लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन जो एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ सर्विस उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करना है एंड जो आप जहाँ पे DND लिखा हुआ है यहाँ पे पहला जो आई वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू DND और आई वॉन्ट टू अनसब्सक्राइब फ्रॉम DND, पहला वाला है एक्टिव करने के लिए, दूसरा डीएक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताया गया है किस तरह से करना है। आप SMS कर सकते हैं, आपको SMS करना है 1909 पे और लिखना है हेल्प स्पेस स्टार्ट एंड सेंड कर देना है। एंड डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सेम तरीका से 1909 पे भेजना है एंड यहाँ पर लिखना है हेल्प स्पेस स्टॉप एंड सेंड कर देना है। अभी हम एयरटेल के बारे में बात करेंगे, चलिए इसमें जाते हैं एंड यहाँ से जो नीचे मोड लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से जो आपको हेल्प एंड सपोर्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो ब्राउज हेल्प टॉपिक्स उसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो आपका सर्विस एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन उसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं आई वॉन्ट टू सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब DND इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो क्लिक है लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं एंड आपको कौन कौन सा सर्विस जो उसके SMS कॉल बंद करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। ये है एयरटेल का प्रोसेस। अभी चलिए जियो में जाते हैं एंड जियो के ऐप्स ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके जो बिल्कुल ऊपर जो 3 डॉट्स उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फुल DND भी एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी सारे बैंकिंग वगैरह होता है कंपनी का सारे मैसेज जो उसको बंद कर सकते हैं, कॉल बंद कर सकते हैं, और या फिर आप सभी जो ऑपरेटर है जिसके बारे में बात किया, आइडिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, सभी में आप 1909 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 1998 जो कंप्लेंट नंबर है उस पर कॉल करके आपका जो DND सर्विस उसको एक्टिव या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आगे भी और वीडियो आते रहेगा। तो उस वीडियो में भी आप मेरा साथ देना एंड इस जाने को आगे बढ़ाना। सो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सत्यमेव जयते। एंड जाने से पहले हमेशा की तरह थिंक बी पॉजिटिव, डू बी पॉजिटिव एंड से ऑलवेज बी पॉजिटिव।